ओके okay फ्रेंड्स अभी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास व्हाट्सअप के ऊपर एक मैसेज आता है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी साथ ही मैसेज आता है कि सर हमारा जो फोटो और वीडियोस है जो चैट्स है वो सारी चीज़ें किसी और के पास जा रही हैं हर एक बैकअप किसी और के पास जा रहा है मतलब काफ़ी लोग परेशान होते हैं और मैक्सिम उसमें गर्ल्स भी ऐसी गर्ल्स भी बहुत सारी होती है जो मैसेज करती हैं तो कहने का मतलब इसमें दोनों केस है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ पर कि भाई आप कैसे अपने व्हाट्सअप को सेफ़ एंड सिक्योर करोगे कैसे आप ये सारे डेटा को यानी जो डेटा आपका लीक हो रहा है कैसे दूसरा कोई बंदा थोड़े से ही मेथड्स का यूज़ करके आसानी से आपके सभी चैट्स आपके सारे डिटेल्स आपके हर एक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपका आपके पास कौन सी फ़ोटो आई कौन सी वीडियोस आई क्या हर एक चीज़ वो प्राप्त कर लेता है कैसे आखिर में कैसे आप बचोगे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार कि आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना अपने व्हाट्सएप को कर लेना ओपन सबसे पहला काम और जब आप अपने व्हाट्सअप को ओपन करते हो तो व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको अपने व्हाट्सएप को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे, पे, पे जाना है तीन डॉट पे पर देखिएगा आपको यहाँ पे जाना है तीन डॉट पे और तीन डॉट पे जाने के बाद आपको सबसे पहला एक ऑप्शन जो चेक करना है सबसे पहला जो ऑप्शन चेक करना है वो क्या चेक करना है यहाँ पे दो तीन चीजें बताऊंगा कि आपको सबसे पहले वो चीज़ चेक करना अगर आप वो चेक नहीं करोगे तो आप समझ लो कहीं ना कहीं आपका सारा मैसेज किसी और के पास जा रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है व्हाट्सएप एप पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक बात देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या आपका अकाउंट यानी जो आपका ये व्हाट्सएप अकाउंट है कहाँ कहाँ कहा, कहा पर लॉग इन आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है लिंक ए डिवाइस आप लिंक के डिवाइस पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है कि डिवाइस स्टेटस टैप ए डिवाइस टू लॉग आउट आप देखेंगे यहाँ पे कि यह भैया आज की डेट में लास्ट एक्टिव टुडे बीस बज के अट्ठारह मिनट पर लास्ट एक्टिव टुडे उन्नीस अप्रैल उन्नीस अप्रैल और बारह बज के छियालीस मिनट पर यानी दो ऐसे डेस्कटॉप हैं जहां पर ये मेरा मोबाइल यानी व्हाट्सएप ये लॉग आउट लॉगिन हुआ है अब सामने वाला चाहे तो आसानी से वो किसी पे भी क्लिक करके वो जो बंदा सारी आपकी इन्फॉर्मेशन सारी आपकी चैट आप क्या पढ़ रहे हो क्या मैसेज आ रहा है किसको क्या भेज रहे हो हर एक इन्फॉर्मेशन वो यहाँ से ले सकता है अगर आपके पास ऐसा शो हो रहा है तो आपको कैसे क्या करना है इसको सब जैसे आप देखेंगे आज क्या डेट है आज सत्ताईस तारीख और यहाँ पर आप देखेंगे उन्नीस तारीख का एक्टिव है और ये कौन से डिवाइस में एक्टिव है मुझे भी ये भी नहीं पता मेरे ऑफिस वाले में लैपटॉप में है या मेरे किसी अदर लैपटॉप में है ऐसा कई बार होता है कि आप जब भी अपने ऑफिस में फ्रेंड सर्कल के साथ या कहीं भी बैठे ठीक है अल्लाह तेरा व्हाट्सअप का वेब ब्राउजर ओपन कर उधर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो कोई भी चीज़ शेयरिंग करने के लिए तो आप अगर ऐसा करके भूल जाते तो ये समझिए कि सामने वाले के पास आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है आपको पता नहीं होगा लेकिन क्योंकि ये कोई नोटिफाई तो करता नहीं है ये कहीं नोटिफाई नहीं करता कि आपका कहीं एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है बट हाँ इसको आप लॉगआउट कर सकते हो कैसे अगर आप नहीं जानते कि भाई किस में इन है किस में नहीं तो आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा आप यहाँ पे इसको लॉग आउट कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर लॉगआउट हो गया अब इस वाले को भी लॉगआउट करना तो इसको भी आप यहाँ पर लॉगआउट कर दीजिए आपको वो भी दिखाएगा किस किस लोकेशन में आपका लॉगिन हुआ है दिल्ली में कहाँ पर किस जगह पर लॉग इन हुआ वो पूरा एड्रेस पूरा मतलब एड्रेस भी पूरा एरिया आपको वो दिखाएगा किस स्टेट्स में किस सिटी में आपका वो लॉगिन हो रखा है अब आपके पास जब ऐसा ब्लैंक दिखे तो आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक करना है लिंक के डिवाइस के ऊपर आपको इस तरीके से अगर मैसेज आता है यानी कैमरा आपका चालू हो जाता है ऐसा ऐसा कि कैमरा चालू हो जाता है तो आप समझिए कि आपका अभी कहीं पर भी व्हाट्सअप लॉग नहीं है तो पहली कंडीशन तो आप बच गए आपने पहला चीज तो यहाँ पे आप समझ गए कि भैया अगर ऐसा कहीं पे भी अगर आपका लॉग है कोई आपका मैसेज चैट अगर सब कुछ पढ़ रहा है तो ये एक सबसे मेन जरिया बनता है सामने वाला दो मिनट के लिए फोन लेगा वो कहीं पे भी ब्राउजिंग पे जाके सामने वाला बहुत आसानी से अपना फ़ोन का क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा और डायरेक्ट जाके वहां पर उसको व्हाट्सअप वेब सर्च करेगा वहां पर जाके आपका स्कैन करके वो उस पर भी लॉग इन कर सकता है तो जरूरी नहीं है कि लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे ही लॉगिन इन वो ईज़िली बस क्रोम ब्राउजर पे उसको जाना देखिए कितना इजी है उसको करना वो क्या करेगा सामने वाला बंदा आपसे दो मिनट के लिए आपका मोबाइल लेगा और दो मिनट के लिए मोबाइल लेने के बाद वो क्या करेगा यहाँ पे लिखेगा व्हाट्सअप ब्राउजर देखिए आपको यहाँ पे लिखेगा वो वेब ठीक है व्हाट्सअप वैब लिख के और उसके बाद में वो क्या करेगा इस तरीके से सर्च करेगा और सर्च करके जैसे बंदा यहाँ पे देखे यहाँ पे सर्च करके वो इजीली यहाँ से आपका जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर लेगा बस खत्म आपका जो सारा चीज़ है वो सब कुछ एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे व्हाट्सअप डॉट कॉम खुल गया व्हाट्सअप वैब हमें टाइप करना था तो आप समझ गए हो गया आई होप कि आपको किस तरीके से वो सामने वाला आसानी से ऐसे भी यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के अंदर भी लॉग इन कर सकता है तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए अभी आपको एक और डेस्कटॉप मोड में जाके ये तो अभी नॉर्मल चल रहा है डेस्कटॉप मोड में जाके इजीली बंदा कर सकता है लॉगिन तो ये तो बात हुई कि भाई कैसे आपका सामने वाला बंदा मैसेज पढ़ सकता है अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे सिक्योरिटी बताऊंगा जिससे कि सामने वाला चाहकर भी आपके बिना परमिशन के आपके व्हाट्सएप को ओपन या कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता है उसके लिए आपको क्या करना है बहुत ध्यान से समझना है बहुत सारे लोग इस बातों से परेशान हैं तो ये उनका सॉल्यूशन है कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकेंगे आपको सबसे पहले क्या करना है तीन डॉट पर जाना है और तीन डॉट पर जाने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है सेटिंग के बाद जब आपको तीन चार यहाँ पे मैथड्स बताऊंगा उन तीनों चारों मैथड्स को आपको फॉलो करना आसान अच्छे से ताकि आप बच सको इन सब सारी चीजों से सबसे पहले आपको अकाउंट पे जाना है और अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देखनी है आपको सबसे पहले सिक्योरिटी देखिए सिक्योरिटी पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो ये आपका एक्टिव है या नहीं एक्टिव इसको आप सबसे पहले इसको एक्टिव करो अब दोस्तों होगा कि आपको ये स्टोर नोटिफिकेशन यानी अगर कुछ भी कोई चीज होता है तो आपको ये पहले नोटिफाई करेगा ही करेगा तो इसको एक्टिव करो दूसरी चीज आपको यहाँ पे प्राइवेसी माना है प्राइवेसी माने के बाद आप यहाँ पे नीचे आप चेक कीजिए आपका यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है आजकल तो मैक्सिमम हर किसी फ़ोन में आता है तो फिंगरप्रिंट आपका डिसेबल है इनेबल इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसको इनेबल कीजिए बट अभी इनेबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाया हुआ है तो अगर फिंगरप्रिंट आपके फ़ोन में अगर लगा रखा आपने जैसे आपके फ़ोन में अगर यहाँ पे अगर आपने फिंगरप्रिंट लगा रहा तो डेफिनेटली वो आपका काम करेगा क्योंकि मैंने सेट नहीं किया इसलिए मुझे अभी ये मना करा तो आप फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे इनेबल कर लो इसके बाद आपको यहाँ पे एक और काम करना है आपको यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन इस पर भैया क्लिक कीजिए और टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे इनेबल कीजिए और यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड आप डाल दीजिए फाइव वन फोर नाइन ऐसा मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ फाइव वन या नहीं ये नंबर ना डाल के मैं कुछ और नंबर डालते हैं तो इधर से हम यहाँ से चलो यही नंबर डाल देते हैं कोई बात नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल नंबर डाल देते हैं ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है तो आप यहाँ पर ई मेल डालना चाहते डालिए अदरवाइज को स्किप कर दीजिए यहाँ से ठीक है तो स्किप हो तो यहाँ पे डन हो गया देखिए येरा इनेबल हो चुका है तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा आपका इनेबल हो गया यानी कभी भी कोई भी बंदा सामने वाला आपके व्हाट्सअप को ओपन करेगा जैसे देखिए अगर मैं मान लीजिए मैं इसको बैक आता हूँ और जब भी मैं बैक आता हूँ यहाँ से इसको क्लीन कर देता हूँ सारी चीज़ें अब मैं जब अपने व्हाट्सअप को ओपन करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले वो क्या मांगेगा सिक्योरिटी मांगेगा कि भैया आप वो पासवर्ड डालिए तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप यहाँ पर ट्विस्टर वेरिफिकेशन लगाइए पहली चीज़ तो ये चीज़ आप समझ गए अब यहाँ पे एक और सबसे मेन चीज़ आपको चेक करनी है कि आपका डेटा जा कहाँ रहा है सामने वाला कैसे आपकी हर एक चीज के ऊपर नजर रख रहा है तो आपको क्या करना है सेटिंग पे आना है और सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग चीज है आपको चेक कर लेना है कि आपके साथ ऐसा कहीं हो तो नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब मैसेज आता है तो मैं भी फिर भी बहुत सोचता हूँ कि आखिर में लोग कैसे ऐसे कर लेते हैं दोस्तों दो मिनट चाहिए सामने वाले को आपके हर एक चीज को एक्सेस करने के लिए दोनों टू मिनट चाहिए वो आपका हर एक चीज करके बैठ जाएगा फिर आपको पता भी नहीं चलेगा आपके मैसेज फोटो वीडियो सब उसके पास जाता रहेगा आप तो फिर भैया आप यहाँ पे कुछ और कर रहे हो सामने वाला भी बीच में मज़े ले रहा है तो भाई आपको यहाँ पे चैट पे क्लिक करना है और चैट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपको यहाँ पे चैट बैकअप आपको देखना है आपको मिलेगा इस पर क्लिक करना है और चैट बैकअप पे आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए आप यहाँ पे लोकल टाइम हो रहा है बीस बज के अभी चौदह मिनट गूगल ड्राइव ये रहा साइज़ इतना है पाँच सौ की फाइल है जो अभी बैकअप नहीं हुई है आप यहाँ पर नोटिस करो कि भाई क्या कोई मेल आई है जो यहाँ पर डली हुई है जैसे यहाँ पे टू राजमन कुमारी मेरा नॉर्मल आई है तो ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डाल रखा है बट बैकअप मैं जल्दी लेता नहीं इस पर तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या आप यहाँ पे जी मेल है या नहीं है आप ये आपको ये सारी चीज़ें देखना है जैसे आप देखिए यहाँ पे एक मेरा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व भी ऑफिशियल आ रहा है जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ऑफिशियल मेल आई है आप ये नहीं समझना कि यूट्यूब का आई ऐसा नहीं है तो ये गूगल जी डी ये मेरा किसी और चीज़ के लिए आई है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिले आप चेक करो यहाँ पे आप चेक करो कि कौन सी आईडी डली हुई है आईडी डली हुई है तो उसको रिमूव कर दो हटा दो अगर आईडी नहीं है तो तो बहुत अच्छी बात है देखो सामने वाला क्या करता तो है दो मिनट के लिए ले मोबाइल लेगा यहाँ मेल आईडी डाल दिया मेल आईडी डी डालते क्योंकि ऐड भी कर सकते देखिए आप वहाँ पे नीचे वो अकाउंट ऐड कर सकता है यहाँ पे कोई भी आईडी ऐड कर सकता है यहाँ पे मान लीजिए आपकी आई है उसके ऊपर क्लिक करके वो अपनी आई ऐड कर देगा ये रहा ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेगा वो अपनी आई ऐड कर देगा तो इस तरीके से वो सामने वाला अपनी आई भी यहाँ पे आप डाल सकता है तो वो क्या करेगा जस्ट ऐसे क्लिक करके यहाँ से देखिए बैप बैकअप पे क्लिक कर देगा यहाँ पे सारा का सारा डेटा बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा देखिए हर एक डेटा आपका फ़ोटो वोटो सब कुछ आप देखेंगे यहाँ पे नीचे हालांकि अभी वीडियो के ऑप्शन पे अंटिक है सामने वाला अगर बोलेगा तो भैया ये वीडियो अभी यहाँ पे इसको भी टिक करके वीडियो भी सारी चली जाएगी तो इसलिए भैया आप इस चीज़ से बचिए और आई होप कि आप सब कुछ समझ गए एक लास्ट ऑप्शन और है उसको भी आप देख लीजिए आपको क्या करना है यहाँ पे चैट के इन्फॉर्मेशन पे जाना और यहाँ पे रिक्वेस्ट इन्फो पे आप देखिए यहाँ पे कि ऐसा तो ऑप्शन नहीं है डाउनलोड करने का को कोई ऑप्शन नहीं अगर ऐसा तो समझ लीजिए सामने वाले आप सामने वाले ने ये रिक्वेस्ट डाल करके सारी फाइलें डाउनलोड कर ली आपकी पूरा डेटा पूरा राम कहानी आपकी तो ये सब चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं योगी फ्रेंड्स आपको काफी नॉलेज मिलेगी बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है टेक राजवन पे आप जाके वहाँ पे अपने कमेंट अपने जो भी आप सुझाव लेना चाहते हैं आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम में आपको बता दिया फॉलो कीजिए इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा कोशिश करूंगा आपकी इस प्रॉब्लम का सभी सॉल्यूशन हो सके और दोस्तों इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये चीज़ों को जानकारी मिल सके और और किसी भी गलत जगह पर ऐसे फंसने से वो बच सके बस, बस फ्रेड मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चलो तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है